बिग बॉस 13 में वीकेंड के बाद अजय देवगन और काजोल पहुंचे। पहले दोनों ने सलमान से मजेदार टास्क कराए। इसके बाद अजय और काजोल घर के अंदर गए, जहां घर वालों के साथ खूब एंजॉय किया। काजोल और अजय ने घर वालों के बीच नंबर वन जोड़ी को चुना। इस कंपटीशन के लिए कई लेवल रखे गए। टास्क के लिए चार जोड़ियां बनी, सिद्धार्थ शहनाज, पारस माहिरा, रश्मि आसिम और विशाल मधुरिमा। सबसे पहले तालमेल राउंड खेला गया। इस राउंड में सभी लड़कों की आंखों पर पट्टी बांधी गई और उन्हें दूर खड़ी उनकी जोड़ीदार को पेस्ट्री खिलानी थी। इसमें रश्मि और आसिम की जोड़ी सबसे पीछे रही। इस तरह दोनों इस राउंड के बाद बाहर हो गए। अगले राउंड में जोड़ियों के बीच आपसी समझ को जज किया गया, जबकि जोड़ियों को एक दूसरे की ओर पीट करके कुर्सी पर बैठना था। दोनों को एक बोर्ड पर सवालों के जवाब देने थे। सबसे पहले कुर्सी पर बैठे सिद्धार्थ और शहनाज से अजय देवगन ने पूछा कि ऐसी कौन सी चीज है जिससे शहनाज सबसे ज्यादा नफरत करती है। शहनाज ने बताया कि जब सिद्धार्थ मुझसे बात नहीं करता। सिद्धार्थ ने भी लिखा, जब वो शहनाज से बात नहीं करते। अजय देवगन ने दूसरा सवाल पूछा कि आपकी दोस्ती का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। दोनों ने ही रश्मि देसाई का नाम लिया। सिद्धार्थ और शहनाज के अलावा बाकी जोड़ियां इस राउंड में फेल हो गईं। अगले राउंड में जोड़ियों से पूछा गया कि वो अपने साथी की कौन सी आदत बदलना चाहते हैं और कौन सी आदत उन्हें पसंद है। सिद्धार्थ ने कहा कि उन्हें शहनाज की जो बात पसंद है वह है पोजेसिव, लविंग और केयरिंग। जब सिद्धार्थ से पूछा गया कि उन्हें शहनाज की कौन सी बात पसंद नहीं आती, तो उन्होंने फिर कहा पोजेसिव, लविंग और केयरिंग। वहीं शहनाज ने सिद्धार्थ की अच्छी बात के सवाल पर कहा कि अटेंशन देता है, बच्चों की तरह प्यार करता है और मेरे को हक कर सोता है। हक करके सोने की बात सुनकर काजोल भी हैरान रह जाती है और चेहरे से कुछ अलग ही एक्सप्रेशन देती है। शहनाज को सिद्धार्थ की कौन सी बात पसंद नहीं है, उन्होंने कहा अग्रेशन, पोजेसिव नेचर, ज्यादा देर लोगों से बात करना और मेरे पास लौटकर ना आना। इस टास्क के दौरान काजल और अजय देवगन के साथ शेफाली बग्गा, शेफाली जरीवाल और आरती सिंह जज की भूमिका में थे। भले ही टास्क सिद्धार्थ और शहनाज जीतने में कामयाब रहे, लेकिन आपसी सहमति से सभी ने पारस और माहिरा का नाम लिया। सभी का मानना था कि ये जोड़ी घर के बाहर जाने के बाद भी आगे बढ़ सकती है।